ऑल राइट, तो मेरे पास यहाँ पे एक जोकर है, एंड जैसा कि आप सभी को पता है जो जोकर होता है वो एक वाइल्ड कार्ड होता है, एंड वाइल्ड कार्ड होने के साथ ही साथ जोकर जो है उसके मदद से हम कोई भी सिलेक्शन को काफ़ी ईजिली ढूंढ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर मैं अभी जोकर को साइड में रखूँ, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट हैं एंड अलग अलग कार्ड्स हैं, तो मैं अभी स्पेक्टेटर को बोलूँगा कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने, लेट से वो सेलेक्ट करता है ये वाला कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये है स्पेक्टेटर का सिलेक्शन, ये आपको याद रखना है। एंड अभी इस कार्ड को हम लोग रख देंगे बीच में, एंड फिर जो जोकर है इसको मैं फेस अप रख दूंगा पूरे पैकेट के ऊपर, एंड फिर जो है मैं पैकेट को कुछ इस तरीके से मिक्स कर दूंगा। अगर स्पेक्टेटर चाहे तो वो भी मिक्स कर सकता है। एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है मैं दो पाइल क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड जिस पाइल में जोकर नहीं होगा उस पाइल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो इस पाइल में जोकर नहीं है तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एंड फिर जो है मैं दोबारा डील करूंगा, एंड इस बार इस फाइल में जोकर है तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, एंड एंड में इस फाइल में नहीं है तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एंड यहाँ पे बचा है एक सिंगल कार्ड जो कि है आपका सिलेक्शन 10 ऑफ क्लब्स। तो यही है ट्रिक, चलिए देखते हैं इसको करते कैसे है। ओके, तो इस ट्रिक को करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक जोकर है और साथ ही साथ 15 रैंडम प्लेइंग कार्ड्स है, तो आपको टोटल 16 कार्ड्स चाहिए, एक जोकर और 15 कोई भी रैंडम प्लेइंग कार्ड्स। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है जोकर को साइड में रखोगे, एंड आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने। तो सेलेक्ट करवाने के लिए आप जो अच्छे से स्प्रेड करोगे कार्ड्स को, एंड एक कार्ड जो है स्पेक्टेटर निकाल लेगा, इन दिस केस 4 ऑफ स्पेड। अब ये जो 4 ऑफ स्पेड है ये जब सिलेक्शन करेगा स्पेक्टेटर, तब आप क्या करोगे, आप जो टॉप 7 कार्ड्स के नीचे ब्रेक लोगे। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड किया हुआ है, तो मैं ऐसे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्ड्स के नीचे जो है यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है। फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी अगर आप चाहो तो आप ऐसे कट करके यहाँ पे स्पेक्टेटर को अपना कार्ड रखने बोल सकते हो, या फिर आप जो है डेक के ऊपर उसका कार्ड रखोगे एंड फिर उसको स्लाइड करके 7 कार्ड्स के नीचे कुछ इस तरीके से रख दोगे, तो स्पेक्टेटर का जो सिलेक्शन है वो जाना चाहिए 8 पोजीशन में। तो ऊपर 7 कार्ड्स है और सिलेक्शन 8 पोजीशन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 पोजीशन में स्पेक्टेटर का सिलेक्शन। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, जो जोकर है उसको रखोगे डेक के ऊपर। जोकर डेक के ऊपर रखने के बाद आपको जिस तरीके से कहीं पे भी कट कर सकते हो, और ये कट वाला जो प्रोसेस अगर स्पेक्टेटर चाहे तो वो भी कर सकता है, और वो जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी ऐसे सिंगल कट कर सकता है। ओके, तो उसको सिंगल कट करना है, एंड बाकी पूरा जो प्रोसेस है वो सेल्फ वर्किंग है, तो जैसा मैं करता हूँ अगर आप वैसे ही फॉलो करोगे तो ईजिली हो जाएगा ट्रिक। सिंपली आप क्या करोगे, आप चाहो तो स्पेक्टेटर को भी करने बोल सकते हो, वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से दो पाइल में डील करेगा कार्ड्स को, एंड जिस पाइल में जोकर नहीं होगा उस पाइल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जैसा कि मैंने कहा सेल्फ वर्किंग है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस पाइल में जोकर है इसको डील करेंगे, एंड अभी इस पाइल में जोकर है जो लेफ्ट वाला पाइल है, एंड इस बार इसको एलिमिनेट करेंगे, एंड एंड में जो सिंगल कार्ड बचेगा वो होगा स्पेक्टेटर का सिलेक्शन 4 ऑफ स्पेड। तो सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक है, काफ़ी इजी टू डू है, आप इजीली कर सकते हो, एंड या टोटल बस 16 कार्ड से चाहिए इसको करने के लिए। तो या दैट्स इट, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।